Three friends plucked some mangoes from a mango grove and collected them together in a pile and took nap after that. तो तीन दोस्त हैं जिन्होंने कि कुछ मैंगोज को तोड़ा आम के बगीचों से मैंगो ग्रोव और उनको जो है एक ढेर बना दिया। अगर मैं इसको डिपिक्ट करूं तो ये समझ लो ये हमारा मैंगो का ढेर हो गया। आप सर्कल को मैंगो की तरह समझ सकते हो। तो ये हमारा मैंगो का ढेर हो गया और उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों दोस्त जो है वो सोने चले गए। तो लेट्स से दे ऑल थ्री नाउ टुक अ नैप। नैप मतलब सोना। और इन क्वेश्चंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना है कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जिसमें बार बार इंफेसिस करता हूं क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब ये बोलता है कि आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फ्रेंड्स वोक अप एंड डिवाइडेड द मैंगोज इनटू थ्री इक्वल नंबर्स। लेट्स से ये फ्रेंड जो है जगा, ये इधर आया और इसने क्या किया, मैंगोज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। और तीन हिस्सों में डिवाइड करने के बाद देयर वाज वन मैंगो एक्स्ट्रा, ही गेव इट टू द मंकी नियर बाय, टुक वन पार्ट फॉर हिमसेल्फ एंड स्लेप्ट अगेन। तो उसने क्या क्या किया, उसने एक मंकी था नियर बाय, अगर हम बोले ये मंकी है, उसने एक मैंगो उसे दे दिया और इसमें से सपोज एक मैंगो उसने उसको दे दिया और जो बाकी बचे मैंगो थे उसके तीन हिस्से किए। लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि ये वन थर्ड वाला हिस्सा है तो उसने वन थर्ड जो हिस्सा था वो अपने साथ लेके चला गया, अपने साथ लेके चला गया और वापस सोने चला गया। ओके तो ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। अब उसने क्या किया, इसमें से जो वन थर्ड था एक मंकी को दे दिया है और वन थर्ड वो लेके चला गया है। नेक्स्ट द सेकंड फ्रेंड गॉट अप अनअवेयर ऑफ व्हाट हैज हैपेंड एंड डिवाइडेड द रेस्ट ऑफ द मैंगोज इनटू थ्री इक्वल शेयर। अब दूसरा फ्रेंड आता है, अब दूसरा फ्रेंड क्या करता है, उसे पता नहीं कि क्या हो चुका है क्योंकि पहले फ्रेंड ने एक्चुअली तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो वो भी वापस क्या करता है, वापस इनको तीन हिस्सों में डिवाइड करता है। लेट्स से अब ये जो इतना जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें से लेट्स से वो ये वन थर्ड हिस्सा ले लेता है, पर जब वो वन थर्ड करता है तो एक एक्स्ट्रा मैंगो बचता है तो वो एक्स्ट्रा मैंगो वापस वो इस मंकी को दे देता है और ये मंकी जो है व्हाटएवर इट वो उसको खा जाता है। तो एक मैंगो और मंकी के पास चला गया। He gave it to the monkey, took one share and for himself and slept again. और वो भी क्या करता है, वापस जाके सो जाता है। अब आता है तीसरा फ्रेंड। Next the third friend got up, not knowing what happened and divided the mango into three equal shares. वो भी वही काम करता है, वो वापस तीन हिस्सों में करता है। There was an extra mango, he gave it to the monkey. वो एक मंकी को दे देता है। Took one share for himself and went to sleep again. तो अब इतने मैंगो हमारे बचे हुए, तो उसका वो वापस एक वन थर्ड करता है और इतने मैंगो लेके चला जाता है और वापस जाके वो सो जाता है। और जब there was an extra mango, he gave it to the monkey, took the share for himself and went to sleep again. वापस एक एक्स्ट्रा मैंगो वो मंकी को देता है क्योंकि जब वो थ्री स्टार डिवाइड कर रहा था तो एक एक्स्ट्रा मैंगो बच जाता है, तो वो वापस जाके उसको देता है, वापस जाके सो जाता है। After some time, all of them got up together to find 30 mangoes. अभी बोलता है कि जब ये लोग जगे सब तो ये जो मैंगो बचे हुए थे इतने, ये जो थे टोटल 30 मैंगोज थे। तो हाउ मेनी मैंगोज डिड द फ्रेंड्स प्लक इनिशियली, तो फ्रेंड्स ने जो तीनों दोस्त थे उन्होंने कितने मैंगोज शुरुआत में तोड़े। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम एक्चुअली दो तरीकों से करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे लॉजिकली इस तक आंसर तक पहुंच सकते हो, बट हम फिर क्या करेंगे इसको एक अल्जेब्रिक तरीके से भी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आप इसको फॉर्मल मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे अप्रोच कर सकते हो। अब देखो जब आप ऐसे क्वेश्चन है ना, तो आप अगर आप उल्टा चलोगे ना तो बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। तो पहला आपका सपोज ये फ्रेंड है, अब आप एक्चुअली समझो कि आपकी जो जो ये है वो रिवाइंड हो रही है टेप। तो ये फ्रेंड आया, जब ये फ्रेंड गया तो यहां पे 30 मैंगोज थे, इसका मतलब वो वन थर्ड जो हिस्सा लेके गया होगा क्योंकि 30 मैंगोज जब उसने तीन हिस्सों में डिवाइड किया थ्री पार्ट्स में, तो उसके टू पार्ट जो थे वो 30 हुए और वन पार्ट जो है वो कितना होगा, अगर टू पार्ट 30 है तो वन पार्ट 15 होगा, करेक्ट, क्योंकि आप अगर 30 को
वो कौन सा नंबर है जिसका कि 2/3 पार्ट 30 होगा। तो अगर मैं बोलूं 2/3 x इज इक्वल टू 30, तो x आपका कितना होगा 90/2 यानी 45। तो जब वो फ्रेंड आया, जिस वक्त आया, तो उस वक्त उसके यहां पे 45 प्लस 1 46 मैंगोज थे। क्यों? क्योंकि एक मैंगो उसने मंकी को दिया। तो उसने क्या किया, वो आया, उसने देखा मैंगोज हैं, उसने उसके तीन हिस्से बनाए 15 15 15, और देखा कि एक मैंगो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, वो मैंगो उसने मंकी को दे दिया, और उसमें से एक हिस्सा जो बचा 15 का वो लेके चला गया। तो हमारे लास्ट मैंगो बचे कितने, 30। तो ये हुआ जब सबसे लास्ट वाला फ्रेंड आया, थर्ड नंबर का। जब सेकंड नंबर का आया, तो सेकंड नंबर का जब सब कुछ करके जाता है, तो उसके पास होते हैं 46 मैंगोज, वो यहां पे छोड़ के जाता है, क्योंकि जब थर्ड वाला आया तो उसको 46 मैंगोज मिलने चाहिए ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो सेकंड के केस में क्या होगा, अगेन 46 क्या है, 46 अगर इसके केस में अगर मैं बोलूं 2/3 y 46 है, क्योंकि उसको अगेन वही करना है, तीन हिस्से करना है, एक हिस्सा लेना है और दो हिस्सा देना है। तो अगर मैं y यहां बोलूंगा तो y मेरा कितना हो जाएगा, 46 into 3/2 यानी कि 23, 69, करेक्ट। बट एक मैंगो उसने वापस मंकी को दिया। तो जब ये फ्रेंड आता है सेकेंड नंबर का, तो उस केस में 70 मैंगोज थे। तो उसने क्या किया, तीन हिस्से किए 23 23 23, और एक दे दिया उसने मंकी को। जस्ट उसको एक रिवाइंड की तरह सोचो, बहुत आसानी से आंसर निकलेगा। अब लास्ट में अब यहां लास्ट में है, लेकिन जो एक्चुअली सबसे पहला फ्रेंड आया, जब वो अपना सारा काम करता है तो उसके पास कितने मैंगो बचते हैं, उसके पास बचते हैं 70। ओके, जब वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, मंकी को दे देता है, तो उसके केस में क्या होगा, 2/3 जेड इज 70। तो जेड कितना हो गया, 70 × 3/2, तो ये हो जाएगा 35 × 3 105, और प्लस 106। तो जब सबसे पहला फ्रेंड आया, उसके पास जब उसने देखा होगा पाइल ऑफ मैंगोज, उसमें 106 मैंगोज होंगे। अब आप इसको क्विकली चाहिए तो हम रिवर्स तरीके से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। सो 106 के उसने तीन हिस्से किए 35 35 35, और उसने जो है एक मैंगो जो है मंकी को दे दिया, और एक वो लेके चला गया। तो जब दूसरा फ्रेंड आया, उसके केस में उसे दिखेंगे 70 मैंगोज, क्योंकि एक मंकी को चला गया है, एक हिस्सा उसने खुद ले लिया है। अब ये जब 70 के केस में आया, तो इसने किए 23 23 23, और एक वापस मंकी को दे दिया, तो ये मंकी को चला गया, ये वो लेके चला गया। तो जब तीसरा फ्रेंड आया, तो उसे मिले 46। 46 के केस में उसने क्या किया, उसने वापस उसको 15 15 15, और एक मंकी को, तो एक उसने दे दिया मंकी को, एक 15 को लेके चला गया, तो कितने बचे, 30। सो दैट इज व्हाट इट मैचेस। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि कैसे हम लॉजिकली इस आंसर तक पहुंचे हैं। तो चलो अब हम इसे अल्जेब्रिकली करते हैं। इसको हम लेट्स अज्यूम करते हैं कि इसका जो वेरिएबल है बी, बी रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो तीनों फ्रेंड ने मिलकर शुरू में तोड़े, और बी मैंगोज पड़े हुए हैं। अब जब पहला फ्रेंड आता है, तो वो क्या करता है, बी को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, बट वो देखता है कि एक बच रहा है। जब वो एक बच रहा है, वो मंकी को दे देता है। तो व्हाट इट मींस इज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बी माइनस वन अगर वो करता है, तो वो एक मंकी को दे दिया उसने, और फिर उसके वन थर्ड हिस्से किए, और वो वन थर्ड अपने साथ लेके चला जाता है। तो वो कितना छोड़ के जाता है, वो छोड़ के जाता है 2/3 हिस्सा। ये है फर्स्ट फ्रेंड का, करेक्ट। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या ट्रैक करना है, हमको ट्रैक करना है जो मैंगो बचे हुए हैं, जो वो लेके जा रहा है वो ट्रैक नहीं करना है। और क्या मैंगो बचे हैं, 2/3 मैंगो बचे हैं बी माइनस वन में से। तो ये मेरा हो जाता है 2b − 2/3। तो ये है आपका फर्स्ट फ्रेंड का। अब जो सेकेंड फ्रेंड आता है, उसको कितने मैंगो दिखेंगे, उसको इतने मैंगोज दिखेंगे। वो भी सेम प्रोसेस करता है, वो क्या करता है 2b − 2/3 माइनस वन, और वो भी कितना छोड़ के जाता है, वो भी 2/3 छोड़ के जाता है। और ये मेरा किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है आपका 2b − 5/3 2/3, एंड दिस बिकम्स 4b − 10/9। ये हो गया सेकेंड फ्रेंड का। सेम स्टेप्स हैं, अब बस उसी हिसाब से करते जाइए, बस ध्यान रखिए कि आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दें। फिर मैं तीसरे पे आता हूं, तीसरा भी क्या करेगा, 4b − 10/9 - 1,
और 2/3, करेक्ट, क्योंकि हमें किसको ट्रैक कर रहे हैं, जो बचा हुआ है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा हो जाता है 4b माइनस 10 माइनस 9 इज माइनस 19 बाई 9 2/3। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे 30 मैंगोज के। तो ये हो गया 2/3, 4b माइनस 19 बाई 9 इज इक्वल टू 30। और अगर मैं ये सारी चीजें यहां से हटा दूं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3/2। इसको मैं अब आप लोगों को सॉल्व करने के लिए छोड़ देता हूं। डू लेट मी नो अगर आपका आंसर इससे डिफरेंट आ रहा है, आइडियली नहीं आना चाहिए, बट डू कमेंट आउट इफ यू आर फाइंडिंग ए डिफरेंट आंसर। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आप प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रही है, और आपको जस्ट उसको फिर फॉलो करते जाना है, एंड इट ऑल फॉल्स इन प्लेस। तो विल स्टॉप हियर टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।